राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह के बयानों के कारण ही आज कांग्रेस की हालत खराब हुई है। पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामले के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि चुनावों से पहले तो कांग्रेस को हिंदू याद आते हैं और चुनाव जाते ही यह मुसलमानों की बात करते हैं। अनुराग ने कहा कि हिंदू और मुस्लिमों में देश को बांटने के लिए कांग्रेस पहले से ही जानी जाती है। अनुराग ने कहा कि जब मुस्लिम बहनों के हक की बात आई तो कांग्रेस ट्रिपल तलाक का विरोध करती रही। मोदी सरकार ने ट्रिपल तलाक और धारा 370 के वादों को पूरा किया है। धारा 370 हटाने के बाद पाकिस्तान में भूचाल आया है और सभी देश भारत के साथ खड़े हैं। पीआर टीवी के लिए ऊना से ब्यूरो रिपोर्ट।